इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल पर पथराव कर हुआ हमला, जहां इस हमले में गोयल के चेहरे व पैर में आई चोट तो वहीं कार भी हुई क्षतिग्रस्त। सूत्रों के मुताबिक मुन्ना लाल का निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। आपको बता दें, ये घटना सिरौल थाना के बाहर की घटना है, जहां छात्र पारस जौहरी की हत्या पर पीड़ित परिवार को शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे गोयल, और आज हुई थी छात्र की बेरहमी सी हत्या। वहीं गोयल समर्थकों ने बसपा और कांग्रेस पर लगाया पथराव कराने का आरोप। बच्चे का मर्डर हुआ है और लाश रख के सारे लोग थाने पर हैं, आप आ जाएं। तो मैं नहाया भी नहीं था, सोलन गोविंद जी मेरे पास ड्राइवर बुलाया, मैंने गार्ड भी नहीं था। सोलन थाने जैसे ही इसमें पहुंचा तो मैं रोड पर कामदारी भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन भीड़ ने भी हमला नहीं किया। उस भीड़ में से चार पांच लोगों ने अचानक वहां से आए और मेरी गाड़ी पर सामने से पथराव शुरू कर दिया। और पथराव उनका क्या होता है, पथराव ये अगर विरोध है तो उन्होंने मार दिया कांच में, लेकिन पथराव सीधा सीधा निशाना करके मेरे ऊपर किया। और इतनी तेजी से पथराव किया उन्होंने कि निश्चित तौर पर करीब चार टांके आए मेरे सर, लेकिन मुझे लगता है यदि मैं गाड़ी मेरा ड्राइवर बैक नहीं करता तो शायद मेरा मर्डर वहां हो जाता। जिस तेजी के साथ पथराव उन्होंने किया और ईंटे और पत्थर जैसे मार रहे थे, सात के सिर पर लगे और मेरा सिर भाई गड़ा मिल जाए, लेकिन ड्राइवर ने बड़ा सुविधा की परिचय किया, अपने ड्राइवर गाड़ी बैक की और मेरे को निकाल लिया। निश्चित तौर पर मैंने ईश्वर से कहना चाहता हूं कि जो भी हमलावर है उनको ईश्वर शक्ति दे, मेरी किसी के प्रति भी दुर्घट नहीं है। प्रशासन ने जो फोन नंबर मैंने की जानकारी है, मेरी किसी के प्रति कोई भी नफरत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के कहने पर उन्होंने किया है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी यहां तक पहुंच जाएगी कि वह हत्या कराने का काम करे किसी भी नुमाइंदे का, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी समझती है कि मेरे विधानसभा के अंदर जो 80 जाति पर जिसका वोट बैंक 80,000 है, अरे भाई मेरे रिश्ते से पारिवारिक है, मेरे रिश्ते अंदर बिल्की है, मेरे रिश्ते अंदर सुधु के हैं, मेरे रिश्ता अंदर फोटो नहीं है 80 जाति पर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।